वे अधिकार तथा सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आदेश देते हैं और वे निकल जाते हैं। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 36। ख्रीस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, यदि कल का सुसमाचार आपको याद है, प्रभु यीशु मसीह ने कल के दिन अपने मिशन कार्य का घोषणा पत्र मंदिर में सुनाया था, और जब आज वो मंदिर से बाहर निकलते ही हम पाते कि वो अपने घोषणा पत्र को कार्य में साक्षात रूप लाने में कोशिश करते हैं, याने जो उन्होंने कल प्रवचन में बोला था, जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में वे क्यों इस संसार में आए थे उसके बारे में लोगों के सामने रखा था, वो आज कार्य में लाते हैं। प्रिय भाई तथा बहनों, आम जानते हैं राजनेताओं को जब चुनाव आता है किस प्रकार का घोषणा पत्र वो सामने लाते हैं, चुनाव के बाद किस प्रकार वो अपने ही घोषणा पत्र को भूल जाते हैं, वो है राजनीतिक नेता है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह उनके समान नहीं है, हमारे धर्म के नेता हैं, हमारे दिल के नेता है, जो कहते हैं उसको अपने कार्य में लाना चाहते हैं। शायद यही संदेश प्रभु यीशु मसीह आपसे और हमसे चाहते हैं आज, कि हम भी जो दूसरों से चाहते हैं वो अपने जीवन में सबसे पहले कहें, जो हम घोषणा पत्र दूसरों के सामने रखते हैं, जो हम बड़े बड़े वायदे करते हैं लोगों के सामने, वो करने का क्या उसको कार्य में ला सकते हैं हम, या केवल केवल लिखित रूप में वही रह जाता है। प्रिय भाई तथा बहनों, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि समस्त मानव जाति संपूर्णता के साथ उनकी शिक्षा के ऊपर, उनके कार्यों के ऊपर नजर डालें, क्योंकि वो शिक्षा केवल शब्द मात्र नहीं, वो कार्य भी है। इसलिए वे लोगों से कहते हैं, इनके शब्दों में वो शक्ति है, इनके शब्दों में जीवन है, इनके शब्दों में एक तरह का प्रभुपन है। क्रिय बात तो बहनों, जब प्रभु कोई शब्द लोगों को बोलते हैं उसमें चंगाई मिलती है, इसलिए प्रभु का वचन बहुत सशक्त है। प्रिय बात तो बहनों, इब्राहिम के नाम में हम पाते हैं एक दुधारी तलवार के समान है, उससे भी ज्यादा तेज है प्रभु का वचन, यदि हम बड़ी आसक्त के साथ, दिलचस्पी के साथ और अपने अनुभव को लाते हुए उसको पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे, प्रिय भाई तथा बहनों, वो हमारे जीवन में कार्य करता है जैसे उस अभग्रस्त के जीवन में कार्य किया। और लोग जो आपस में थे उन्होंने आज का वचन में कहा है, ये अधिकार तथा सामर्थ्य के साथ आत्माओं को आदेश देते हैं और वो निकल जाते हैं। प्रिय भाई तथा बहनों, शायद आपके पास भी लोग आते होंगे प्रार्थना करने के लिए, आ सकते हैं मानसिक चंगाई प्राप्त करने के लिए, यदि वह प्रभु का वचन पर विश्वास करेंगे, प्रभु के वचन के साथ कुछ कार्य करने के लिए कोशिश करेंगे। प्रिय भाई तथा बहनों, वादा करता हूं, विश्वास करिएगा, वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि प्रभु का वचन में ही जीवन है। आइए आज अपने आप को पूछ कर देखें, प्रभु यीशु का वचन जब मैं पढ़ता हूं मेरे जीवन में क्या बदलाव आता है। आमीन।